नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे बिहारी प्रत्याशियों के बारे में जिन्होंने दिल्ली विधानसभा साल 2020 में अपना परचम फहराया है। किसी ने सही कहा है कि एक बिहारी सब पर भारी, और इसी तथ्य को एक बार फिर से साबित कर दिखाया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहारी उम्मीदवारों ने, जहां 8 बिहारी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जिसमें से 7 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, वहीं 1 भाजपा की तरफ से मैदान में उतरे थे। कहने को तो बिहार की प्रमुख पार्टियों ने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, मगर किसी भी पार्टी के प्रत्याशियों ने उम्मीद पर खड़ा उतरने में नाकामयाब रहे। चुनाव में बिहारियों की जीत तो हुई, मगर उनका जुड़ाव बिहार की राजनीतिक पार्टियों से नहीं था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में परिणाम की घोषणा के बाद जहां एक बार फिर से केजरीवाल सरकार ने जीत की हैट्रिक लगाई है, वहीं बिहार के प्रत्याशियों ने अपना परचम फहराया है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं 8 प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे जिनको दिल्ली की जनता ने कुर्सी पर बिठाया है। वहीं इन उम्मीदवारों में एक ऐसे प्रत्याशी भी है जिन्होंने सिर्फ बिहार का मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सबसे ज्यादा वोट पाकर दिल्ली के चुनावी इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे किरारी सीट से उतरे ऋतुराज की। ऋतुराज मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर के निवासी है, मगर इनकी जीत से दिल्ली में इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिल्ली में वास्ता ना होने के बावजूद इन्हें इनके काम के लिए जनता ने कुर्सी पर बिठाया है, जिसके तहत इस चुनाव में ऋतुराज को 86,551 वोट मिले थे। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अनिल झा को इस चुनाव में पीछे छोड़ दिया था। अब आगे हम बात करेंगे विनय मिश्रा की। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनावी मैदान में उतरे थे। द्वारका सीट पर सबकी निगाहें इसीलिए भी टिकी थी क्योंकि यह सीट से कांग्रेस के पूर्व नेता महाबल मिश्रा के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री आमने सामने थे। हालांकि पहले आदर्श इस सीट पर बढ़त बनाए हुए थे, बढ़त के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी उम्मीद इस सीट से बंधी हुई थी, मगर शाम होते होते नजारा साफ हो गया। भाजपा को दूसरे स्थान पर पहुंचाते हुए आपके विनय मिश्रा ने 71,003 वोट से जीत दर्ज कर ली। अब इस कड़ी में हम आगे बात करेंगे बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली वंदना कुमारी की। वंदना कुमारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से शालीमार बाग सीट से मैदान में उतरी थी। वहीं शालीमार बाग, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता था, वहीं पर उन्होंने बड़े ही कम मार्जिन से, यानी कि मात्र 400 वोट से भाजपा की रेखा गुप्ता को हराते हुए 57,707 वोट से यह जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। अब आखिरकार हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिसकी जीत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, और वह नाम है संजीव झा का। बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले संजीव झा लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ बने हुए हैं। वहीं इस साल वो दिल्ली की बुराली सीट से मैदान में उतरे थे, जहां उन्होंने जदयू के शैलेंद्र कुमार से लगभग 88,000 वोट के अंतर से यह जीत अपने नाम दर्ज कर ली है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि संजीव ने सिर्फ इस सीट को नहीं बल्कि सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। बेशक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुहार पर बुरारी की बिहारी जनता ने सुन ली, भले ही उनके उम्मीदवार को मौका ना दिया हो, मगर बिहार के संजीव झा के पक्ष में ताकत दिखाते हुए रिकॉर्ड ब्रेक जीत दिलाई है। अब हम बात करेंगे पार्टी के राजेश ऋषि की। राजेश ऋषि ने भी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया था, जहां पर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जनकपुरी सीट के लिए मैदान में उतरे थे, जहां पर इनका सीधा मुकाबला भाजपा के आशीष सूद से था। जहां पर शुरुआती रुझान में भाजपा आगे चल रही थी, मगर शाम होते होते आम आदमी पार्टी के राजेश ने बढ़त बनाते हुए 67,756 वोट के साथ यह जीत अपने नाम दर्ज कर ली। इस कड़ी में अगले जो प्रत्याशी, उनका नाम है अभय वर्मा। बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले अभय वर्मा इकलौते बिहारी प्रत्याशी थे जो भाजपा पार्टी की तरफ से लक्ष्मीपुर सीट के लिए मैदान में उतरे थे, जहां पर उन्होंने 65,735 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को मात्र 880 वोट के अंतर से हराया था। अगले है सोमनाथ भारती। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर सीट से इस बार के चुनाव में हैट्रिक लगाई है। लगातार तीसरी बार मालवीय नगर की जनता ने सोमनाथ भारती को चुनकर जीत का सहरा बंधवाया है। विवादों में फंसे रहने के बावजूद सोमनाथ भारती ने इस साल के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह को पीछे छोड़ते हुए 52,043 वोट से जीत दर्ज की है। अब आखिरी में है संगम बिहार के आपके टिकट पर विधायक बने दिनेश मोहनिया। वैसे तो दिनेश मोहनिया का जन्म दिल्ली में हुआ था, मगर उनका रिश्ता कैमूर से रहा है। दिनेश ने इस चुनाव में इस सीट से जदयू प्रत्याशी शिवचरण लाल को 75,345 वोट प्राप्त करके हराया था। वहीं इस चुनाव में जदयू के दूसरे और आखिरी सीट पर उतरे शिवचरण लाल को संगम बिहार की जनता ने 32,823 वोट के साथ दूसरे पायदान पर पहुंचाया था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।